नीट पर बवाल जारी है, छात्रों का गुस्सा थम नहीं रहा। हालांकि काफी हद तक दबाव का असर अब नजर आने लगा है, सुलह के कुछ रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। ग्रेस नंबर देने के फैसले को सही बताने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लेकर अपनी पहली गलती मान ली। NTA ने 1563 अभ्यर्थियों का ग्रेस मार्क रद्द कर दिया है। इन अभ्यर्थियों को दो विकल्प दिए हैं, या तो ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 बच्चे 23 जून को दोबारा इम्तिहान दें, या फिर बिना ग्रेस नंबर के इन 1563 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। रीटेस्ट के नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा, वो परीक्षा दे सकते हैं। 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते हैं, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूँ। अब सवाल है कि क्या इतने भर से न्याय मिल गया? क्या NTA पर लगे आरोपों के दाग 1563 बच्चों के दोबारा इम्तिहान से धुल जाएंगे? क्या नीट परीक्षा की पवित्रता पर उठा प्रश्न खत्म होगा? यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज कोर्ट में मानी कि हाँ, ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कितनी बड़ी हार है हम सबकी, किसी की जीत नहीं हुई है आज, ये सबकी हार हो गई है। वो बॉडी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कराता है, वो आके पहली हियरिंग के अंदर एग्री कर जाता है कि मैंने ये स्टेप गलत लिया था, और 24 घंटे पहले वो स्ट्रांगली इस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि हमने सब सही किया है। तो क्या हर मुद्दे के लिए हमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा? ऐसी कितनी डिस्पेरेंसीज है उनके अंदर। हमें अभी भी एक जांच कमेटी की मांग करते हैं, जो अब तो जांच बनती है इनकी, क्योंकि आके पहली बार में एग्री करते हैं कि हमने गलत किया था। ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही पूरा एब्सर्ड है, पहली हियरिंग के अंदर ये चीज प्रूव हो जाती है। इस बीच नीट रिजल्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम अर्जी पर सुनवाई भी होनी है। नीट धांधली के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील NTA की तरफ से कल की गई। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।